आज हम 5.1 डिकोडर प्री बोर्ड बनाएंगे जो 5.1 होम थिएटर ऑडियो सिस्टम में लगता है, और आने वाली किसी वीडियो में हम इसे कंप्लीट 5.1 का एम्पलीफायर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आने वाली कुछ वीडियो में ये सब बोर्ड बनाने वाले हैं। ये पीसीबी हमने PCBA.com से बनवा कर मंगवाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और कंपोनेंट्स की लिस्ट भी नीचे दे दी है, आप चाहें तो YouTube स्टोर से परचेज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगने जम्पर और 15 रेजिस्टेंस लगनी है 10K। इसमें लगने वाली सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में है। एक रेजिस्टेंस 1K, एक रेजिस्टेंस 1K5, दो रेजिस्टेंस 220 ओम, चार रेजिस्टेंस 22K, छह रेजिस्टेंस 2K2, 2.2K भी बोलते हैं इसे, तीन रेजिस्टेंस 33K, दो रेजिस्टेंस 390 के, 330K भी लगा सकते हैं आप, आठ रेजिस्टेंस 3K3, चार रेजिस्टेंस 470 ओम, एक रेजिस्टेंस 470K, सात रेजिस्टेंस 4K7, दो रेजिस्टेंस 6K8, दो लगेंगे इसमें जीनियर डायोड 12 वोल्ट के, इसके निशान देखकर लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस होता है। एक डायोड 4148, इसका भी निशान देखकर लगाएंगे। तीन कैपेसिटर 0.22 UF, जिस पर 224 भी प्रिंट रहता है। पांच कैपेसिटर 0.1, जिस पर 104 प्रिंट रहता है। दो कैपेसिटर 0.47, जिस पर 473 होता है। एक कैपेसिटर 0.22, जिस पर 223 प्रिंट रहता है। चार कैपेसिटर 0.33, जिस पर
333 प्रिंट रहता है। दो कैपेसिटर नॉट 15 जिस पर 153 प्रिंट रहता है। चार डायोड 4007 इसमें भी प्लस माइनस होता है, प्रिंट देखकर लगाएंगे। चार लगेंगे ट्रांजिस्टर BC548B। एक आईसी UA741 और चार आईसी हैं ये 4558D। आईसी में कट का निशान देखकर लगाएंगे जब हम लगा रहे हैं। एक प्रीसेट 10K, दो प्रीसेट 22K, तीन प्रीसेट 100K, बीस कैपेसिटर 4.7 UF 50 वोल्ट में है ये, इसमें भी प्लस माइनस होता देखकर लगाएंगे। तीन कैपेसिटर 100 UF 25 वोल्ट में, दो कैपेसिटर 1000 UF 25 वोल्ट और दो कनेक्टर लगेंगे 6 पिन के बेस टेबल के लिए। पांच कनेक्टर लगेंगे 3 पिन के। एक कनेक्टर 2 पिन का और एक कनेक्टर स्क्रू वाला, ये भी 3 पिन का है। बोर्ड पलटने पर ये कनेक्टर गिर जाएंगे, अभी फिलहाल निकाल लेते हैं, इन्हें बाद में लगाएंगे। अब करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डिंग। अब लगा लेते हैं लिक्विड फ्लक्स। इसके बाद अब सोल्डरिंग। जो कनेक्टर निकाल लिए थे उन्हें लगा लेते हैं। उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, सीधे सीधे देखकर लगाना है।
आप थिनर की सहायता से इसे वॉश कर लेते हैं। अब तैयार है आपका 5.1 डिकोडर प्रीबोर्ड। अब टेस्ट कर लेते हैं। ये बोर्ड हम पिछले एक वीडियो में बना चुके हैं, पर यहाँ टेस्ट करने के लिए हम एक ही आउटपुट का यूज करेंगे। एक ही आउटपुट से सभी चैनल 1x1 टेस्ट करेंगे और एक ही हमने स्पीकर कॉलम लगा रखा है। इसकी मेन सप्लाई पे जो कैपेसिटर लगे हैं उस पे वायर लगा लेते हैं और उसी से लेके जानी है। आप चाहें तो यहाँ पर 12.0 वोल्ट का 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर अलग से लगा सकते हैं, या जैसे ये मेरा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर से ही दोनों के कनेक्शन हो जाएंगे। मेन कैपेसिटर के माइनस से माइनस ले लेते हैं और प्लस से प्लस, और यहाँ है ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड डायरेक्ट कैपेसिटर पर ना लगाकर थोड़ा आगे लगा लेते हैं। ये कैपेसिटर लगे हैं, इससे दूसरे बोर्ड में भी कैपेसिटर से कैपेसिटर पे ही कनेक्शन करेंगे। बस बीच में रेजिस्टेंस लगानी है। वो कैसे कनेक्शन होंगे ये दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर लगाएंगे हम 180 ओम की 1 वाट या 2 वाट की रेजिस्टेंस। ये हो गया प्लस और ये माइनस, बीच में ग्राउंड। यहाँ येलो वायर लगा लेते हैं। अब लगा लेते हैं वायर प्लस और माइनस। दो ड्यूल पोटेंशियोमीटर हैं 100K के, इन्हें बेस टेबल के लिए लगा लेते हैं। पोटेंशियोमीटर पे जो पीसीबी लगा है ये भी हम किसी वीडियो में पहले बना चुके हैं। एक आउटपुट और एक कॉलम से ही हम 1x1 सभी के साउंड टेस्ट करेंगे। और इधर के दो ट्रांजिस्टर दिए गए हैं ये गेन बढ़ाने के लिए। अगर किसी MP3 ऑडियो बोर्ड में अगर साउंड कम होता है तो इससे बढ़ा लेते हैं। इसे अभी हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ ऑडियो इन से हम फोन कनेक्ट करेंगे। इसके लिए ऑक्स सॉकेट लगा लेते हैं। और 2 पिन कनेक्टर वायर लगाकर टेस्ट करेंगे। एक साइड से टेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखा है सेंटर तो इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ ऑक्स लीड लगा लेते हैं। जो भी कनेक्शन दिए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रीसेट हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। जितना आपको साउंड चाहिए अपनी आवश्यकता अनुसार उसको एडजस्ट करेंगे। अब दूसरा टेस्ट कर लेते हैं, यह सबवूफर का। अब तीसरा टेस्ट करेंगे,
यह सराउंड साउंड कंप्लीट बनाते समय इसमें से दो आउटपुट के कनेक्शन होंगे, तो यही तीसरा और यही चौथा माना जाएगा। बाकी के रह गए दो, ये विद बेस ट्रेबल है, अब इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।